अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक ठाक होंगे। आज सर्दी बहुत ज़्यादा है, ये हमारे बैनर काफ़ी ख़राब हो गए हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे रावलपिंडी इस्लामाबाद में। तो तकरीबन हम 2 महीने बाद जा रहे हैं झेलम। यहाँ सर्दी ज़्यादा है तो एक भाई से रिक्वेस्ट की है कि वो मुझे स्टॉप तक छोड़ आए। तकरीबन 2-3 किलोमीटर मुझे वैसे पैदल चलना पड़ता है, फिर आगे बिलाल भाई ज्वाइन करेंगे, उनसे मिलूँगा तो फिर आगे फिर उनके साथ चलूँगा। तो एक भाई को बोला है कि यार छोड़ा स्टाफ पे, सर्दी बड़ी है, नहीं चला जाता यार इतना ज़्यादा। ये भाई हिम्मत करेंगे इस दौर में मुझे इस सर्दी में, इतनी सर्दी में स्टाफ तक छोड़ेंगे? ये देख लें इनकी हालत क्या है। ये आप ये डाका मारने जा रहे, ये मुझे छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है रावलपिंडी में। चलो जी हसनैन भाई चलें। सर्दी बहुत ज़्यादा है यार, 2 किलोमीटर है बाइक पे और मुझे पता चल गया है, 2 किलोमीटर बाइक पे सर्दी में। और उस भाई की भी मेहरबानी है कि मुझे यहाँ तक छोड़ने आ गया, और मैं इतनी सर्दी में यार मैं इतना पैदल चलता। स्टॉप पे अभी आया हूँ, यहाँ पे बैठूँगा, पर यहाँ पे बिलाल भाई ने कहा है तो वहाँ पे उतरूँगा, और इंशाल्लाह फिर झेलम के लिए फिर हम वहाँ से इकट्ठे ही रहना होंगे। आखिरकार मैंने ज्वाइन कर लिया जी हाफिज़ रिवान साहब को, बिलाल भाई को। बिलाल भी मेरा जरा कैमरा थोड़ा सा ना कमज़ोर है तो एक और हमारे भाई हैं साथ, तो इंशाल्लाह काफ़ी लेट हो चुके हैं, पहले ही हम तकरीबन 9:15 हो चुके हैं रिवान भाई, 9:15 हो चुके हैं। तो अब हम फिर रवा दवा हैं झेलम की तरफ। उस्ताद भी है? हाँ, धुंध बहुत ज़्यादा, सर्दी बहुत ज़्यादा यार, आज तो बहुत ज़्यादा सर्दी है। इंशाल्लाह फिर हम जा रहे हैं झेलम शरीफ, मिलते हैं फिर आपको झेलम में। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह भी जो दर्द था वो ख़त्म हुआ है, तो इसके बाद तस्वीरों का सिलसिला है। आप तो बैठे हुए हैं, हम भी बनवाएंगे तस्वीरें। हाफिज़ साहब ने भी अपना जो है ना मोबाइल पर तैयार कर लिया है तो इंशाल्लाह फिर इसके बाद हम नमाज भी इधर पढ़ेंगे, जैसा कि हमेशा की तरह फिर खाना खाएँगे, चाय समोसा से शाम को खाना खाएँगे इंशाल्लाह, तो फिर इसके बाद हम निकलेंगे। अभी जोहर और असर हमने जमा किया, इंशाल्लाह इसके बाद अभी ये दरसे कुरान होगा इंशाल्लाह, फिर इसके बाद देखते हैं क्या करना है। अभी तक जो हमारा प्रोग्राम यही है कि दर्स अटेंड करना है, इसके बाद क्या करना है वो बाद में। क्या मेरे बाल भी ये देखे कितने ख़राब हैं, ये मैंने टोपी पहनी थी ना उस वजह से ना सर्दियों में हो जाता है यार, यहाँ पर मैंने सेट भी किया। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं दर्स के बाद इंशाल्लाह। सादे मोहतरम हो गए, तो अभी इंशाल्लाह दर्स होगा। ये अरफान भाई भी अपना व्लॉग बना रहे हैं। बच्चों की फरमाइश पर अली भाई ने बच्चों के साथ कुछ तस्वीरें भी बनाई। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मगरब और इशा यहाँ जमा किए, और अभी इसके बाद हम निकलेंगे रावलपिंडी के लिए। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।